हाँ माँ, जैसे ही मैंने रवि से अंबाजी जाने की बात कही ना, उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही था जैसा हमने सोचा था। वो बुरी तरीके से शॉक हो गया। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। उसे तो झटका लगा होगा, डर गया होगा वो। अंबिका बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ अंबाजी मंदिर चलेगा। माँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तैयार हो या तैयार ना हो वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं उसे वहाँ लेकर जाऊंगी। उसके सामने मैं और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया है मेरी अंबाजी जाने वाली बात पर, उससे ये बात एकदम साफ हो गई। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे मर्डर में निवेदिता के साथ वो भी शामिल था, और इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे अंबाजी लेकर जाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि वो क्यों वहाँ नहीं जाना चाहता। डरता है वो वहाँ जाने से। डरेगा ही ना, उसके मन में बहुत गिल्ट होगी। मास्टर राज, उसने देविका को वहाँ मारा था। इतना बड़ा जुर्म किया है उसने वहाँ जाकर, इसीलिए घबरा रहा है। उस जगह पर कभी दोबारा नहीं जाना चाहता, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे अंबाजी तो मैं लेकर ही जाऊंगी। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बेटा। क्या हुआ दी? जो आप रवि जी के बारे में आंटी से बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया थी क्या हुआ है। आपका कोई झगड़ा हुआ है जीजू से? नाराज हूँ मैं उससे भी और अपनी जिंदगी से भी, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। साक्षी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है थी। क्यों साक्षी, मुझे क्यों डर लग रहा है? मुझे तो बल्कि मेरे लिए खुश होना चाहिए। मुझे खुश होना चाहिए कि मैं अपने प्रतिशोध के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ। रवि के खत्म होने से के साथ साथ ये खेल भी खत्म हो जाएगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी साक्षी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। आप तो अधूरी हो जाएंगे रवि। इसी बात का डर है मुझे, चीजों के बिना कैसे रहे, कैसे जिएंगी आप? मैं नहीं जानती, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। काश कि कोई वजह होती मेरे पास अपना बदला पूरा ना करने की, कोई वजह मुझे मिल जाती इस जिंदगी में रवि के साथ आगे बढ़ने की। काश मेरे साथ प्यार में धोखा ना हुआ होता, काश मेरे सारे सपने ऐसे टूट ना गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए, मेरा प्यार अधूरा रह गया साक्षी, मेरा बदला अधूरा नहीं रहेगा। मैं अपने बदले को जरूर पूरा करूंगी, और वैसे भी मेरी जिंदगी में इतने अंधेरे हैं कि मैं खुद नहीं जानती किन अंधेरों में और कितने धोखे छुपे हैं। फिर सोच लीजिए क्या रखा है इस रिवेंज के खेल में। रवि जी जो तो आपका प्यार है ना, दे आपकी जिंदगी की हर खुशी ही में बसी थी, और कोई भी प्रतिशोध अपनी जिंदगी से बड़ा नहीं होता, और कोई भी बदला अपने दिल में बसे प्यार की गहराई से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है थी। एक दूसरे का साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वही जिंदगी जीने की वजह बनता है। क्या अपने दिल से जुड़े इस रिश्ते को तोड़कर आप खुश रह पाएंगे? प्यार तो वो रेशम की डोर होती जो एक लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत होती, एक बार जुड़ जाए तो फिर जीना भी उसी के साथ और मरना भी। मेरी नजर में आपका ये फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप जीत भी जाती हो फिर भी आपकी बहुत बड़ी हार होगी। भैया, एक्चुअली मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कराना। कैसी बातें कर रहा यार तू? तू भाई है मेरा छोटा, और भाइयों में किस बात की फॉर्मेलिटी? हाँ, और तेरे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। बता क्या बात कर रहा है? पता नहीं,
बहुत अजीब सा लग रहा है। जब भी सोचता हूँ सब कुछ ठीक हो गया, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हल नहीं निकल रहा। और आपको तो पता है कि इस घर में आपके सिवाय में किसी और से मैं दिल की बात कहता नहीं, तो बस इसीलिए यहाँ पर चला आया। हाँ तो अच्छा किया ना, चल बता क्या बात है भैया। एक्चुअली मुझे लगता नहीं है भैया, मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका ही देविका है, और वो मिस लूथरा से बदला लेने के लिए आई थी। मिस लूथरा ने तो साफ साफ कबूल कर लिया कि उन्होंने मेरी देविका को मारा था, खुद उन्होंने कबूल किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि देविका अंबिका का रूप लेकर आई थी यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए। मुझे तो अब जाकर एहसास हुआ रवि, लेकिन मैं तो शुरू से इस बात को समझ गया था कि देविका वापस आ चुकी है। क्या हो गया, अब चुप क्यों है? नहीं कुछ नहीं, वो जो बोल रहा है वो हो सकता है कि सच हो, और बल्कि मैं तो यही चाहूंगा कि यही बात सच हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे कहने का मतलब जो तू कह रहा है वही सच है, तो उसमें अच्छी बात है ना। तुम दोनों को तो बल्कि खुश होकर रहना चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है अंबिका ने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि मैं उसे अंबाजी लेकर जाऊँ, और वो इस जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक मैं उसे वहां नहीं लेकर जाऊंगा दवा नहीं खाएगी। अंबाजी? लेकिन अंबाजी क्यों भैया? मुझे खुद कुछ नहीं मालूम, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, सब कुछ मालूम है उसे। उसे मालूम है कि वहां पर क्या हुआ था, फिर भी वो इस जिद पर अड़ी हुई है। देख भाई, जिस हिसाब से तू ऐसा बोल रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि जरूर उसके मन में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। तू ये काम क्यों नहीं करता? तू उससे साफ साफ क्यों नहीं पूछ लेता? क्या पता वो तेरे को सब कुछ बता दे। साफ साफ बात कर लेना उससे। भैया आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं पूछा? मैंने बहुत कोशिश की भैया, लेकिन वो कहती है कि कोई सवाल नहीं सिर्फ जवाब। वो इस सिर पर अड़ चुकी है, उसे अंबाजी जाना है तो जाना है। भैया इन सारी बातों का एक ही सलूशन है मेरे पास। क्या? भैया मैं उसे अम्बाजी लेकर जाऊंगा। वहां जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो हमारे सामने आ जाएगी ना भैया, कि वो अंबिका नहीं देविका है। उसका देविका से अंबिका बनने का क्या राज है वो आज तक किसी को नहीं मालूम, तो मालूम हो जाएगा भैया। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भैया, कितना बड़ा रिस्क क्यों ना हो भैया, मैं उठाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं रवि, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जैसा तू बोल रहा है कि अंबिका तो उससे सही से बात नहीं कर रही, उसके मन में कोई ना कोई बात है, मेरे कहने का मतलब है वो कहीं कुछ करना बैठे। भैया कुछ भी हो मुझे वहां जाना पड़ेगा भैया। ये अंबिका देविका का रहस्य मुझे, ये कन्फ्यूजन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती भैया। मुझे नहीं पता वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भैया एक बात तो तय है कि मेरा जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा भैया, कि वो मेरी देविका है, तो मैं भी जाऊंगा। मैं तो तुझे सिर्फ इतना ही कहूँ कि एक बार फिर से सोच ले भैया। अब सोच लिया तो सोच लिया, मैं जाऊंगा। भैया। हाँ ज्योति। नीचे वकील साहब आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है मैं भी आता हूँ। कैसे हैं? हेलो सर, एक अच्छी खबर है आपके लिए मिस्टर गरीबान, आपकी माँ वो पेपर साइन करने के लिए राजी हो गई है। थैंक यू सो मच वकील साहब, थैंक यू सो मच, ये काफी अच्छी खबर है, और मुझे खुशी है कि मैं अपनी माँ को अब जेल से रिहा करवा पाऊँ। आप लेकिन अभी आगे करना क्या है हमें? सिर्फ कुछ पेपर्स हैं जो हमें साइन करवाने पड़े हैं। सुन लिया उसका सच उसके मुंह से, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अपने रवि को छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। वो सब कुछ जानता है कि उसकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, बाद में उसने मुझसे झूठ बोलकर मेरे खिलाफ जाकर उनको जेल से निकाला, और इस बात के लिए तो शायद मैं उसे माफ कर भी देती, लेकिन तुझे नहीं पता है साक्षी, रवि मेंटल हॉस्पिटल गया था कि वेदिका से मिलने के लिए। मैंने उन दोनों को गले लगते देखा है, और अब बस चाहे कुछ भी हो जाए रवि को तो मैं नहीं छोड़ूंगी।